हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतिया का किचन। टुडे आई एम गोइंग टू मेक स्पेनिश चिकपी, वाइट चना जिसे छोले भी बोलते हैं। तो सो गाइस, टू प्रिपेयर इट वी नीड, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे ले रखा है हमने 2 चॉप्ड ऑनियन एंड 1 कप टोमेटो प्यूरी, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड ये स्प्रिंग ऑनियन है, थोड़े स्पेनिश भी ले सकते हैं, पालक एंड 2 कप ऑफ बॉइल्ड वाइट चने चिकपी एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/2 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड टेस्ट टू टर्मरिक पाउडर जो कि इंडियन स्पाइसेस में बहुत ज़रूरी है, एंड ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। गाइस, ये हमने थोड़े से चिकपी को इसी के बॉयल जो वाटर था इसी में पेस्ट बना रखा है, इसको थिक करने के लिए, टेस्ट इससे और अच्छा हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट, गाइस इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पैन रख दिया है, सो गाइस हीट द ऑयल इन ए लार्ज पैन, 2 टेबल स्पून के अंदाज से हमें ऑयल डाल देना है इसमें। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट वाइज। एंड ऐड चॉप्ड ऑनियन, साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे एंड फ्राई ऑन लो हीट। Spices, turmeric powder, black pepper, salt, and red chili powder. And mix well. Add 1 cup tomato puree. Mix and simmer for 3 minutes. हीट को लो ही रखेंगे। Add the chickpeas. मिक्स टुगेदर अंटिल वेल कम्बाइंड, अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। एंड ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन, आप यहाँ पे स्पिनच भी डाल सकते हैं, पालक। ये पेस्ट बनाया था इसको भी हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, चने जो बॉयल्ड चिकपी है उसका पेस्ट बनाया था, थोड़ा टेस्ट वाइज अपना कितना ठीक रखना है मिक्स कर सकते हैं। से 2 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने देंगे। चेक करते हैं,
And now Spanish chickpea is ready. Turn off the heat. हमने ये पार्सले ड्राइड लिया हुआ है, अगर आपके पास फ्रेश पार्सले है तो उसको डाल सकते हैं। एंड नाउ रेडी टू सर्व। एंड ये ऑप्शनल है आलमंड फ्लेक्स, ऊपर से थोड़े इसको भी डालेंगे। तो ये स्पेनिश चिकपी रेडी हो गया है। गाइज इफ यू लाइक दिस रेसिपी तो ज़रूर बनाइएगा। सी यू अगेन विद ए न्यू रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।